हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब समसफर पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज डिस्कस करेंगे इम्तियाज़ अहमद सर की बुक बिहार एक परिचय का चैप्टर नंबर 3। इसमें चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का पार्ट 3। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 को अपलोड कर दिया है और उसमें सारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्न को मैंने हाईलाइट करवा दिया था। आप अपने बुक में उसे हाईलाइट कर लिए होंगे और बार बार रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब तक का जो यूट्यूब पे बिहार एक परिचय जो अपलोड बुक है उसमें सबसे सरल और सबसे आसान भाषा में हम आपको बताएंगे। और बिहार के एग्ज़ाम को यदि पास करना है तो इस बुक से होकर के गुजर करके ही आप पास कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे बच्चे लोग क्या करते हैं, लैग कर जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और उनका सिलेक्शन 2, 4, 5 नंबर से नहीं होता है। तो इस बुक को यदि पढ़ लिया जाए तो उनका 2-3 नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येयवाक से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। और फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हम सफर परिवार को आगे बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ये दो ऐसे आंदोलन थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विशेषतः बिहार से ज़्यादा वो संबंधित होगा, यानी बिहार में कैसे है जो खिलाफत आंदोलन का शुरुआत होता है, उनके नेता कौन होते हैं। ठीक है, और उसी तरह से असहयोग आंदोलन में कौन कौन नेता कंट्रीब्यूट करते हैं बिहार के, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए, तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के 2 स्वर्णिम अध्याय हैं, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसके पूर्व 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो चुका था, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ है, तो 1916 में और कहाँ, लखनऊ में। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, और दोनों दल राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग कर रहे थे, और ये दोनों दल मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है, दोनों राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही असंतुष्ट अवस्था में छोड़ा था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर के 1919 तक चला, तो इस विश्व युद्ध होने के बाद जो इसका परिणाम आया, वो परिणाम न हिंदू के फेवर में था और न मुस्लिम के फेवर में था। ठीक है, अब कैसे नहीं था वो भी मैं बताता हूँ आपको। युद्ध के दौरान और उससे पूर्व भी तुर्की के सुल्तान एवं खलीफा के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों द्वारा निष्ठा और सहयोग का आश्वासन दिया जाता था। ठीक है, दो आपका जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 2 गुटों में हुआ था। ठीक है, एक तरफ लड़ रहा था ब्रिटेन, इधर से था जर्मनी और ऑटोमन अम्पायर था। ठीक है, जो तुर्की वाला रीजन है, तो ऑटोमन अम्पायर और जर्मनी, इधर से ब्रिटेन था, रसिया था। ठीक है, लड़ रहे थे। अब हुआ क्या कि जर्मनी और ऑटोमन अम्पायर का हार हुआ और ब्रिटेन का जीत हुआ। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि अब जैसे ही ऑटोमन अम्पायर में एक पद होता है सुल्तान और खलीफा का। ठीक है, तो जो खलीफा वाला पोस्ट होता है उस पोस्ट को अंग्रेज जो ख़त्म करना चाहता है, ऐसा देखिए आगे लिखा हुआ है, क्लियर समझते हैं हम लोग। पैन इस्लामिज्म यानी सर्व इस्लामवाद का प्रसार इस क्षेत्र में हुआ था। इस सिद्धांत के अंतर्गत विश्व भर में सभी मुसलमान को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास किए गए थे तथा ऑटोमन खलीफा के प्रति निष्ठावान रहने की सलाह दी गई थी। देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 गुटों में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो ऑटोमन अम्पायर की हार हुई, ऑटोमन अम्पायर की हार हुई, इसके बाद हुआ क्या कि अब ब्रिटेन है जो बंदरवाट करने लगा, जर्मनी को भी तोड़ दिया 2 भाग में, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। इसके बाद जो ऑटोमन अम्पायर था उस वहाँ पर भी कई तरह के नए नए फेरबदल किए। ठीक है, होता क्या है कि युद्ध की समाप्ति पर जब विजयी मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के सुल्तान के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया और ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्रों में बंदरवाट आरंभ की, तो भारतीय मुसलमानों में असंतोष भड़का। देखिए, जो ऑटोमन अम्पायर था वहाँ से कहीं ना कहीं इस्लाम रेगुलेट होता था। ठीक ना, तो इस्लाम रेगुलेट होता था, तो कहीं ना कहीं इसके प्रति पूरे विश्व के जो मुसलमान थे लोयल थे।
ठीक है, तो देखे कि जो ऑटोमन का जो खलीफा है उसके प्रति अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग अन्याय कर रहा है, तो वो लोग भड़क उठे थे। ठीक है, अब तो भारतीय मुसलमान और असंतोष भड़कता है, और अन्य राष्ट्रवादी इसलिए चिंतित थे कि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया। देखिए, मुसलमान क्यों उससे है जो ब्रिटिश से खफा थे, क्योंकि ऑटोमन अम्पायर का खलीफा वाला पद था, उसमें उन्हें जो खलीफा वाला पद है उसे हटाना चाहती थी। ठीक है, बात रही अन्य राष्ट्रवादी जैसे हिंदू, भारतीय हिंदू इस चलते खफा थे क्योंकि ब्रिटिश सरकार बोली थी कि यदि आप मेरे को वर्ल्ड वॉर 1 में यानी प्रथम विश्व युद्ध में सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको स्वशासन की मांग को पूरी कर दूंगा। तो लेकिन भारतीय की स्वशासन की मांग थी वो पूरी नहीं कर किया जाता है अंग्रेज के द्वारा, इस चलते हिंदू लोग भी खफा थे, जो राष्ट्रवादी लोग भी खफा थे। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान भारत सुरक्षा नियम के अंतर्गत जो दमनकारी कानून बनाए गए थे उसके भी उनकी भी पुष्टि सरकार ने रॉलेट एक्ट के माध्यम से कर दी थी। देखिए, अब सरकार के द्वारा तो पहले तो बोला गया था स्थानीय स्वशासन देंगे, लेकिन जब विरोध इन लोग का रेगुलर चलते रहा तो सरकार है जो रॉलेट एक्ट पास कर दी। ठीक है, इन्हीं कारणों से खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1923 के बीच में हुए और आपसी तालमेल भी रहा। मतलब कि मैं आपको 3 कारण बताया, पहला कारण तुर्की वाला ऑटोमन अम्पायर वाला जो खलीफा वाला पद था और जो वहाँ के सुल्तान थे उनके साथ दुर्व्यवहार, इसी कारण मुस्लिम खफा थे। राष्ट्रवादी की बात करें तो वो खफा ही चलते थे क्योंकि अंग्रेज बोला था यदि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेरे को सपोर्ट करते हैं तो हम आपको स्थानीय सुशासन दे देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। इसके बाद मैं फ्रेंड्स बता दूं कि रॉलेट एक्ट एक कानून लाया गया था, वो काफ़ी खतरनाक कानून था, जिसके अंतर्गत यदि किसी पे शक हो तो बिना दलील का ही, बिना वकील का ही है जो उन्हें सीधे अरेस्ट कर लिया जाता था, बिना वारंट का ही अरेस्ट कर लिया जाता था। ठीक है, तो इसके कारण दो प्रबल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन होता है जो 1919 से 1923 के बीच में चलता है, और इसमें आपसी मेल काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, इस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य तुर्की के सुल्तान और ऑटोमन खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों के अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध करना था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था ये भी आपको याद रखना है कि तुर्की के सुल्तान और ऑटोमन खलीफा, इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा, तुर्की के सुल्तान और ऑटोमन खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों के अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध करना, जबकि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था तो ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधारों को लागू करने के लिए दबाव बनाना। जैसे संवैधानिक सुधार में स्थानीय स्वशासन की मांग की, स्वशासन की मांग की गई थी तो अंग्रेज के द्वारा पूरा नहीं किया गया। इससे हिंदू मुस्लिम एकता को और बल मिला और राष्ट्रीय आंदोलन की गति भी तेज हुई, और दोनों आंदोलनों का बिहार में व्यापक प्रभाव है रहा। और इसमें मौलाना मजहरुल हक, इनका नाम काफ़ी चर्चित है और पूछा भी जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं, इनकी भूमिका रहती है सक्रिय। और बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ था, जो बिहार में खिलाफत आंदोलन है फ्रेंड्स वो 1919 में प्रारंभ हुआ था। क्योंकि तो बात करें प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व भी 1912-13 में यूरोप में बाल्कन युद्ध लड़े गए थे, जो बाल्कन युद्ध है जो यूरोप में लड़ा गया था 1912-13 में, इसमें तुर्की के राज्य के विरुद्ध बाल्कन प्रायद्वीप के ईसाई प्रजा ने विद्रोह किया था। जो बाल्कन युद्ध था उसमें आपका तुर्की के राज्य के विरुद्ध कि कौन किया था तो ईसाई प्रजा किया था बाल्कन का। ठीक है, अब यूरोपीय देशों के तुर्की के प्रति शत्रुतापूर्ण आचरण को देखते हुए और तुर्की की जीर्ण शीर्ण दशा के कारण भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के सुल्तान के प्रति रही। यही मैं बता दिया कि क्यों आपको जो भारतीय मुसलमान थे वो क्यों ज़्यादा सहानुभूति रखते थे तुर्की के मुसलमान के तरफ। ठीक है, गया, जहानाबाद, मुंगेर, पटना, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में भी अनेक सभाएं आयोजित हुई, किसके लिए तो खिलाफत आंदोलन के लिए। ठीक है, तुर्की के सुल्तान की सहायता के लिए कोष इकट्ठा किया गया, ये भी काफ़ी चर्चित प्रश्न है कि जो तुर्की के जो सुल्तान थे उनके लिए भारत में इवन बिहार में भी कोष इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए मजहरुल हक इन कार्यों के लिए काफ़ी सक्रिय थे, जो कोष इकट्ठा वाला कार्य है वो बिहार में मजहरुल हक के द्वारा किया जा रहा था, इन कार्यों में सक्रिय रहे। और 1914 में वे कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ इंग्लैंड भी गए, मजहरुल हक है जो इंग्लैंड भी जाते हैं 1914 में। उन्होंने युवा तुर्क दल और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रतिनिधियों से भेंट की और तुर्की के सुल्तान के समक्ष भी उपस्थित हुए। प्रथम विश्व युद्ध
आरंभ होने पर कुछ भारतीय मुसलमान ने तुर्की की ओर और अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई का फैसला किया। इस योजना में बिहार के कुछ मुस्लिम भी शामिल थे, जिसे बहावी नेता मौलवी अब्दुल रहीम प्रमुख थे। जो बहावी आंदोलन के नेता थे अब मौलवी अब्दुल रहीम जो प्रमुख थे। सरकार को इस योजना के पूर्व सूचना मिल गई और इसे विफल कर दिया, मगर पैन इस्लाम, यहाँ पर सुधार दीजिएगा, पैन इस्लाम मतलब सर्व इस्लामवाद का भावनाएं बनी रही। ऐसे इसमें कुछ आपको पूछने वाला नहीं है एग्जाम में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 16 फरवरी 1919, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब होती है, तो 16 फरवरी 1919 को, ठीक है। पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई, तो हसन इमाम साहब की अध्यक्षता में एक सभा होती है जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात की गई। और इसी बीच सेब्रे की संधि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेब्रे की संधि कब हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ सेब्रे की संधि, ठीक है। और तुर्की पर इस सेब्रे की संधि के बाद क्या किया गया, तुर्की पर अनेक कठोर शर्त आरोपित कर दिए गए, और इस बात से स्पष्ट हो गई थी और भारतीय मुसलमानों का रोष और बढ़ता जा रहा था। जो कठोर शर्त जब तुर्की पर लगा दिया मित्र राष्ट्र, तो भारतीय मुसलमान का जो रोष है, गुस्सा और बढ़ गया। नवंबर 1919 में गांधी जी ने इस संधि का विरोध का फैसला किया, जो सेब्रे की संधि हुई उस संधि का विरोध का फैसला महात्मा गांधी जी करते हैं, ठीक है। नवंबर 1919 में उन्होंने शांति स्थापित के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह के बहिष्कार का बयान दिया। जो शांति स्थापना के उपलक्ष्य में जो एक समारोह मनाना जाना था, उसका गांधी जी ने क्या किया, बहिष्कार कर दिया। बिहार में इसका स्वागत हुआ, मतलब ये जो आपका जो गांधी जी के द्वारा बहिष्कार किया जाता है शांति स्थापना के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह को, तो बिहार में भी इनका स्वागत होता है। और 30 नवंबर को पटना में आयोजित एक सभा में हसन इमाम ने शांति समारोह का बहिष्कार का आह्वान किया। देखिए, उधर नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर तो महात्मा गांधी आह्वान करते हैं कि ये जो संधि है, संधि के विरोध में तो पहले वो खड़े होते हैं, इसके बाद शांति स्थापना के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह को बहिष्कार करते हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार में शांति स्थापना के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह के विरोध हैं, जो करते हैं वो करते हैं हसन इमाम साहब, ठीक है। नेक्स्ट है रांची यानी झारखंड में भी मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में मुसलमानों ने न केवल इन समारोहों का बहिष्कार किया बल्कि रोष प्रदर्शन भी किया। और 1920 में आंदोलन का प्रभाव और विस्तृत हो गया, जो आपका खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसका प्रभाव और विस्तृत हो जाता है। 19 मार्च 1920 को सारे बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल की। 19 मार्च 1920 को सारे मुसलमान हैं जो बिहार में हड़ताल करते हैं, भागलपुर, मुंगेर, कहाँ, भागलपुर, मुंगेर, आरा, मुजफ्फरपुर में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है इस मुसलमानों के हड़ताल की, ठीक है। अप्रैल 1919 में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए। जो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे शौकत अली, तो शौकत अली भी पटना आते हैं। और इस समय ब्रिटिश सरकार के असहयोग पर विचार विकसित हो काफ़ी सशक्त हो चुका था। अप्रैल और मई के बीच मजरूल हक ने बिहार के अनेक नगरों की यात्रा की। जो अप्रैल और मई में मजरूल हक हैं जो बिहार के कई नगरों में यात्रा करते हैं, और मोतिहारी छपरा में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित करते हुए खलीफा के प्रति अंग्रेजों का विश्वासघात के लिए लोगों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देखिए कैसे जो खलीफा को अंग्रेज हैं जो विश्वासघात किए हैं, और उनके बारे में लोगों को बताते हैं घूम घूम कर मजरूल हक साहब, ठीक है। 15 और 16 मई को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमा यानी धर्माचार्यों का सम्मेलन हुआ, जिसमें सरकार के असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। जो सरकार के असहयोग का प्रस्ताव पारित होता है किसमें, तो फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमा का सम्मेलन होता है उसमें, ठीक है। ऐसे ही प्रस्ताव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रादेशिक सभा ने भी पारित किए, यानी सेम टाइप का कि हम लोग को क्या करना है कि अंग्रेजों का क्या करना है, विरोध करना है, उन्हें सहयोग नहीं करना, इस तरह का प्रस्ताव उस वक्त पारित हुआ था, ठीक है। जून में पटना सिटी में गुलाम इमाम और उनके सहयोगियों ने आम सभाओं को संबोधित करते हुए ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने और तुर्की पर आरोपित शर्तों की भर्त्सना करने का आह्वान किया, ठीक है। 1 अगस्त को पटना में आयोजित सभा में नूरुल हसन
ने प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दे दिया। फुलवारी के शाह बदरुद्दीन ने शमसुल उलेमा की उपाधि त्याग दी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, फुलवारी के जो शाह बदरुद्दीन है वह शाह शमसुल उलेमा की उपाधि त्याग देते हैं। और शाह सुलेमान ने अबैतनिक दंडाधिकारी का पद त्याग कर दिया। यानी दो, एक शाह बदरुद्दीन है और एक हैं जो वह शाह सुलेमान। तो शाह बदरुद्दीन है जो शमसुल उलेमा की उपाधि त्याग करते हैं और शाह सुलेमान है जो अवैतनिक दंडाधिकारी का पद है वो त्याग कर देते हैं। ठीक है, अब खिलाफत और असहयोग आंदोलन साथ साथ सक्रिय हुए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में पारित हुआ। यानी जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ सितंबर 1920 में। ठीक है, मगर इसके पूर्व ही यानी इससे पहले ही असहयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका था। जो बिहार में है जो असहयोग का प्रस्ताव है जो नेशनल लेवल पर पारित होता है उससे पहले ही पारित हो चुका था। ठीक है, और राष्ट्रवादियों ने सरकार के सहयोग आरंभ कर दिया था। जो राष्ट्रवादी थे वही सरकार से असहयोग मतलब असहयोग उनको सपोर्ट नहीं करना, उनको उनसे दूरी बना करके रहनी है। ठीक है, जैसे बच्चे लोग स्कूल छोड़ दे, टीचर लोग स्कूल छोड़ दे, वकील लोग स्कूल छोड़ दे, उनको जैसे कर्मचारी लोग हैं, क्लर्क लोग हैं तो उनको ऑफिस में ना जाए, यानी उन्हें असहयोग करें, सहयोग न करें। ठीक है, यही नीति शुरू में अपनाया गया था और इसे ही असहयोग आंदोलन कहा जाता था। चलिए, इस आंदोलन का मुख्य कारण भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध असंतोष था जो कई वर्षों से बना रहा था। इसका मूल कारण क्या था इस आंदोलन का, तो वही कि ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध असंतोष और जो कई वर्षों से चला रहा था वो ब्रिटिश असंतोष। जून 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुआ, तो एक जून 1918 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। यह प्रस्ताव राष्ट्रवादियों के लिए संतोषदायक नहीं थे, जो प्रस्ताव था वो राष्ट्रवादियों के लिए संतोषदायक नहीं था। अब एक राष्ट्रवादी किसको बार बार बोल रहे हैं, राष्ट्रवादी हम बोल रहे हैं जो फ्रीडम फाइट में है जो एक्टिव रोल पार्टिसिपेंट कर रहे थे। देखिए, 29 अगस्त 1918 को कांग्रेस ने अपने बंबई अधिवेशन पर एक रिपोर्ट 1918 में कांग्रेस है जो बंबई अधिवेशन पर एक रिपोर्ट है जो रिपोर्ट पर विचार करता है। इसकी अध्यक्षता बिहार के बैरिस्टर हसन इमाम ने की, यही महत्वपूर्ण है। तो रिपोर्ट की जो अध्यक्षता है उसका हसन इमाम करते हैं। अधिवेशन में रिपोर्ट से असंतोष व्यक्त करने के अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव रखा गया। इसी बीच भारत सरकार ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु कुछ कठोर प्रावधान जैसे रॉलेट एक्ट के माध्यम से किया। ठीक है, इस दमनकारी कानून जिसमें राष्ट्रवादियों ने काला कानून, रॉलेट एक्ट को कहा जाता है काला कानून कहा, जो राष्ट्रवादी लोग थे के विरुद्ध जन आंदोलन गांधी ने छेड़ा। और फिर है जो गांधी इसके विरुद्ध है जन आंदोलन छेड़ते हैं। पहली बार देशव्यापी स्तर पर सत्याग्रह का आह्वान हुआ। बिहार में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की गई। छपरा, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर आदि नगरों में इसका प्रबल विरोध हुआ। 11 अप्रैल को पटना में एक जनसभा आयोजित हुई जिसमें गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। जो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था उसका विरोध किया गया। ठीक है, इसके बाद इस विरोध किया गया और सत्याग्राहियों के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए। जितने भी सत्याग्राही थे सब प्रतिज्ञा पत्र पे हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, इसी बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए रॉलेट एक्ट आप ले आए हैं, काला कानून ले आए हैं और ऊपर से फिर अब जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिए, तो के विरुद्ध देशव्यापी जन आंदोलन भड़क उठा। जब उतनी बड़ी संख्या में जो लोग मरे, स्वतंत्रता सेनानी मरे, तो होता क्या है कि देश में जनव्यापी आंदोलन भड़क उठता है। इसी पृष्ठभूमि में बिहार में भी असहयोग आंदोलन का प्रसार हुआ और इसी बैकग्राउंड में है जो बिहार में भी असहयोग आंदोलन का प्रसार होता है। आरंभिक चरण में आंदोलन खिलाफत के प्रश्न जुड़ा था। देखिए, जो असहयोग आंदोलन शुरू में तो कहीं ना कहीं है जो मुस्लिम हैं उनके लिए जो खलीफा का जो पद था उनके सपोर्ट में मुस्लिम लोग खड़े हुए थे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन भी कहीं ना कहीं शुरू बार है जो मुस्लिमों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, यानी तुर्की के खलीफा के बारे में ज़्यादा है जो वो लोग एक्शन ले रहे थे और बोल रहे थे। ठीक है, जनवरी 1920 को गांधी और अली बंधुओं ने वायसराय से भेंट कर खलीफा के प्रति वचन भंग के प्रश्न पर आकर्षित कराया। और 1920 में ही मोहम्मद मौलाना अली इंग्लैंड गए और प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज के समक्ष इस प्रश्न को रखा। देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, देखिए कोई पूछे कि बताइए असहयोग आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, तो लॉर्ड लॉयड जॉर्ज। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ को आपको देख करके जानना है।
उसी तरह से 1942 के समय भारत के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी कई बार एग्जाम में कई मतलब पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब गांधी जी ने खलीफा के प्रति अन्याय और जलियांवाला बाग हत्याकांड, दो कांड, खलीफा के प्रति अन्याय और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोनों मुद्दे पर सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। बोला कि न तो खलीफा के साथ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और न ही जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे जैसे अपराध ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा किया जाता है, तो दोनों मुद्दे पर सरकार है जो असहयोग सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, अगस्त 1920 में राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में हुई, जिसमें गांधी जी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में सम्मिलित कर लिया गया। जो विरोध ब्रजकिशोर प्रसाद रिकमेंडेशन करते हैं कि जो स्वराज का मुद्दा है जो भी असहयोग आंदोलन में आप लोग जोड़ दीजिए। ठीक है, बिहार में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ तो 1920 में। ठीक, असहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरुल हक नेता का नाम याद रखेगा, राजेंद्र बाबू, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाउरी और अन्य नेताएं हैं जो विधायिका के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, यानी ये लोग हैं जो विधायिका के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेते हैं। कई अधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिए, बहुत सारे ऐसे अधिकारी भी थे जो त्यागपत्र दे दिए। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, क्या क्या हुआ, वकील लोग अदालतों का बहिष्कार किया, कई अधिकारी त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद इनमें प्रमुख थे। ठीक है, जो वकील हैं जो अदालत छोड़ दिए थे, उसको कौन कौन थे, महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के भाई राय साहब महेंद्र, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा हुआ है कि राजेंद्र प्रसाद के भाई का नाम क्या है, तो राय साहब महेंद्र प्रसाद ने आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दी। जब आंदोलन हुआ असहयोग आंदोलन, उसी समय उन्हें राय की उपाधि दी गई थी, तो राय की उपाधि उन्होंने लौटा दिया, जो राय साहब महेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। छात्र ने स्कूलों और कॉलेजों में अपना नाम कटा लिया, मैं बोला था कि देखिए छात्र हैं जो असहयोग आंदोलन में अपना नाम कटा लेते हैं, वकील कोर्ट नहीं जाते हैं, टीचर स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, पटना लॉ कॉलेज के मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी, दो पटना लॉ कॉलेज के मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी, वो मोहम्मद शफी इनमें प्रमुख थे, जो नेता था मतलब इसमें प्रमुख रहते हैं। ठीक है, इस बार देखते हैं कि इन छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना गया रोड पर राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। देखिए, जिस तरह से जो बच्चे लोग अंग्रेजी स्कूल को छोड़ रहे थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया हुआ, तो उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए कहीं ना कहीं तो व्यवस्था वो करना पड़ता। इस चलते गांधी जी हैं जो रिकमेंडेशन करते हैं कि आप लोग नेशनल यूनिवर्सिटी बनाइए, और एक जो नेशनल यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय महाविद्यालय बनाई गई वह पटना गया रोड में बनाई गई। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करें और, तो राजेंद्र प्रसाद इसके प्रचार बनाए गए जो राष्ट्रीय महाविद्यालय था, और इसी बीच एक तो आपका बीएन कॉलेज और पटना लॉ कॉलेज के स्टूडेंट भागे, और बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज जो वर्तमान में एनआईटी है, वो 15 छात्र कॉलेज त्यागकर मजरूल हक के पास मार्गदर्शन के लिए आए। जो मजरूल हक थे उनके पास 15 छात्र है जो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यूनाइटेड पटना वर्तमान में उससे इंजीनियरिंग कर रहे थे, और बीच में भी भागा है लोग। ठीक है, तो मजरूल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपका यहाँ पे दीघा के पास जो सदाकस आश्रम है, तो जो जमीन वो खैरू मियाँ का है, और खैरू मियाँ जो मजरूल हक के दोस्त हैं, तो दोस्त कहने पर उन्होंने ये ज़मीन दे दी थी। ठीक है, वहाँ छात्रों द्वारा चरखे, अब देखिए तो पहले तो सदाकत आश्रम का निर्माण कराया गया, जो छात्र आए थे उनको बोला गया कि आप लोग चरखा बनाने का काम आरंभ कीजिए, और जो इंजीनियर्स थे वो चरखा बनाते थे आकर के सदाकत आश्रम में। ठीक है, धीरे धीरे यह स्थान बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्यालय बन गया, और जो बिहार का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका मुख्यालय कौन है, सदाकत आश्रम, यहीं पर सारा कुछ प्रोग्राम बनाई जाती थी। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसी बीच गांधी ने देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों का निर्माण का प्रस्ताव रखा। फिर गांधी जी बोलते हैं, देखिए आप लोग नेशनल यूनिवर्सिटी तो खोल दिए हैं, ठीक है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आपको, विद्यापीठ भी आपको खोलना है, ठीक ना, तो बिहार विद्यापीठ खोला गया, जिसका उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया। ये भी पूछता है प्रश्न, बिहार विद्यापीठ की उद्घाटन किसके द्वारा की गई, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई,
और मजरूह लाख इसके कुलपति बने, जो बिहार विद्यापीठ थी उसके कुलपति है मजरूह लाख। और ब्रजकिशोर प्रसाद की बात करें फ्रेंड्स, तो ब्रजकिशोर प्रसाद हैं वो कुलपति बने। और लगभग सभी जिलों में इस विद्यापीठ से संबंधित राष्ट्रीय पाठशालाओं की स्थापना हुई। ठीक है, तो प्राइमरी स्तर पर है जो राष्ट्रीय पाठशाला का स्थापना होता है, जिसमें जिसमें प्राथमिक स्तर से मैट्रिक तक शिक्षा की व्यवस्था है। इसमें प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक की शिक्षा की व्यवस्था है। ठीक है, इस बार शिक्षा की व्यवस्था है थी। इसके अतिरिक्त आईएससी और बीए और बीएससी की परीक्षाएं भी इस विद्यापीठ द्वारा आयोजित हुई और 25,000 से अधिक छात्र इस शैक्षणिक प्रणाली से संबंध रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक, अब देखिए जो न्यूज़पेपर आपको मिले काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वो पूछा जाता है। तो द मदरलैंड के संपादक कौन है? मजरूल हक। कब उन्होंने निकाला? तो निकाला उन्होंने 30 सितंबर 1921 को। ठीक है, उसी दिन वो शुरू किए। नेक्स्ट है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार, जो मजरूल हक के द्वारा द मदरलैंड नामक अखबार निकाला गया उसमें इस उद्देश्य था कि इसमें राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया जाएगा इस मैगजीन के माध्यम से, और असहयोग कार्यक्रम पर भी प्रचार किया जाएगा और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने आपको पूरा असहयोग आंदोलन आपको करा दिया। इसमें कुल मिलाकर के जो भी 10-12 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है और आपको पढ़ा भी दिया है। अब आपको क्या करना है कि आप अपने बुक में हाईलाइट कर सकते हैं या फिर इससे आप पढ़ करके एक छोटा नोट्स इस वीडियो का फिर देख लीजिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर आप छोटा नोट्स जो 2-3 पेज का हो और पूरा बिहार का आंदोलन 2-3 पेज में आ जाए, उस तरह के नोट्स आपको बनाने होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट युवराज की यात्रा का बहिष्कार। देखिए आज मैंने आपको बताया खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तो इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं और कल हम लोग फ्रेश से देखेंगे युवराज की यात्रा। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे स्वराज दल। देखिए जिन फ्रेंड्स के पास बुक नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उनको बुक भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग हैं जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को और फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।